आज गाजियाबाद में लॉ ऑफ लेबर एडवाइजरी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने श्रम मंत्री अनिल राजभर का स्वागत और अभिनंदन किया। इसी बीच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने आज श्रम विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में श्रम मंत्री अनिल राजभर से मुलाकात करी और उनका स्वागत भी किया। इस कार्यक्रम में 3003 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें से 1850 हिंदू जोड़े थे और 1147 मुस्लिम जोड़े थे। उसी बीच 3 सिख और 3 बौद्ध धर्म की शादियां भी संपन्न कराई गई। 10,000 रूपए सभी के खाते में भेज दिए गए हैं और 65,000 रूपए अगले 3 दिन के अंदर उनके खातों में भेज दिए जाएंगे। सर्वधर्म संभाव का यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माननीय योगी जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है। योगी जी के सपने को साकार करने के लिए गाजियाबाद के उप श्रम आयुक्त रवि श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम को करके एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। इस अवसर पर सतेंद्र सिंह ने श्रम मंत्री से एसोसिएशन के आगामी होने वाले कार्यक्रम के विषय में चर्चा भी की तथा उनको अपने कार्यक्रम में आने के लिए अनुरोध किया, जिसे श्रम मंत्री ने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि आप लोग कार्यक्रम का आयोजन करिए, हम जरूर आएंगे। इस मौके पर IAS वर्मा, डॉक्टर SS उपाध्याय, प्रवीण श्रीवास्तव, निरंजन गुप्ता, धर्मपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहते हैं कि आज हम उद्योगपतियों का भी हम स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे श्रमिकों का हित भी प्रभावित ना हो, ऐसा संतुलन बनाने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी फरवरी माह में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है। जब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बेरोजगार हैं, हमारे जो मजदूर के बेटे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तो कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन बदले, आपका जीवन परिवर्तित हो, आपके जीवन में खुशहाली आवे, इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हम श्रमिक भाइयों से कहना चाहते हैं, कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शान से उत्तर प्रदेश की धरती पर आगे बढ़िए, अपने मनोबल को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को बदलने का काम करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। अभी हित लाभ के भी कार्यक्रम अभी लखनऊ से उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में हम हित लाभ के कार्यक्रम को भी शुरू करने जा रहे हैं। तमाम योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारा श्रम विभाग चलाता है, उन कार्यक्रम को, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, उन तमाम सुख और सुविधाओं को आपके आंगन, आपके चौखट तक पहुंचाने के लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। उनके तमाम कार्यक्रमों को हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो हित लाभ के भी कार्यक्रम जनपदवार हम लोगों ने शुरू किया है, ये भी आगे बढ़ेगा। और सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम आज गाजियाबाद की धरती से हम शुरू कर रहे हैं, इसको भी बहुत जल्द संपन्न करके फिर जनपदवार भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोग लेकर जाने वाले हैं। मैं हृदय से एक बार फिर अपने तमाम अधिकारियों का मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। रात दिन परिश्रम करके आप सब लोगों ने आज हम लोगों के सामने और देश और प्रदेश के सामने जो एक समारोह ये जो बुलाया है, जिसकी चर्चा मैं समझता हूं देश के अंदर होनी है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जनरल VK सिंह साहब, आपकी उपस्थिति निश्चित तौर पर हम लोगों के मनोबल को बढ़ा रही है, हमें ऊर्जा दे रही है। हमारा विभाग आपकी उपस्थिति का सम्मान करता है, हम सब लोग सम्मान करते हैं। गाजियाबाद के एक एक जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में जिस तरह से सहयोग किया, हम उस बात के लिए उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। यहाँ के प्रेस और मीडिया के साथियों का भी मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबका भी सहयोग हमारे विभाग को बहुत ज्यादा मिलता रहा है और एक बार फिर उन माँ बाप को मैं बहुत ही हृदय से उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, जिनके बेटे और जिनकी बेटियों का आज यहाँ पर विवाह संपन्न हो रहा है।